उत्तर प्रदेश की जिला गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके के देवकली गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक फौजी का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। ये खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और आनन फानन में लोग मौके पर पहुंचे, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस के आला अधिकारियों और जवान को खोज रहे सहयोगी जवानों समेत सभी संबंधित अधिकारियों को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक अरविंद सेन समेत कई थाने की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल के दौरान पता चला 52 बटालियन SSB अररिया बिहार के 8 जवान गोदिया दुर्ग एक्सप्रेस से दुर्ग जिले के भिलाई अपने हेडक्वार्टर इंक्वायरी के लिए जा रहे थे, जिसमें से एक जवान 52 साल के धनदेव राम नंदगंज थाना इलाके के देवकली गांव के पास ट्रेन धीमी होने पर अपने साथियों का साथ छोड़कर ट्रेन से कूद कर भाग गए। अपने साथी को भागते देख अन्य जवान ट्रेन की चेन पुलिंग कर उतर गए और रात में उनकी खोजबीन में जुट गए, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उनका कुछ पता नहीं चल पाया। दोपहर बाद खेत में काम करने के लिए ग्रामीण जा रहे थे, गांगी नदी के पास पेड़ से इस सैनिक की लटकती लाश देखकर दंग रह गए। जानकारी की माने तो रात 8 बजे के तकरीबन ट्रेन तराव स्टेशन के पूर्वी छोर पर पहुंची तो धीमी रफ्तार होते ही धनदेव कूदकर भाग गया। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गाजीपुर से सूरवीर सिंह की रिपोर्ट।